हेलो गाइज, राम राम जी। वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सो गाइज, कैसे हैं आप सब? होप करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। सो गाइज, जैसे कि आज मतलब शॉर्ट वीडियो चलते रहते हैं, बहुत टाइम बाद मैं ब्लॉग शूट कर रही हूँ और मैंने सोचा कर लेती हूँ, क्योंकि आज का दिन मेरे लिए शायद बहुत बिजी शेड्यूल रहने वाला है। बिजी भी नहीं है, मतलब बोल सकते हैं कि हाँ थोड़ा बहुत है। अभी मैंने घर पे कोई भी नहीं था, फिर बाद में कब काम करा है, झाड़ू पोछा बर्तन खाना वाना सब मैंने बना दिया। मेरे को जाना है अभी PNB, ठीक है, बैंक जाना है मेरे को, क्योंकि मेरी आज छुट्टी है। आज सैटरडे है, मतलब छुट्टी नहीं है, सैटरडे में मैं अपनी PNB ब्रांच में चली जाती हूँ, मेरे नियर बाय है, तो मेरे को वहाँ जाना है। सो अभी इसलिए मैंने सारा काम ख़त्म कर दिया है, झाड़ू पोछा बर्तन हर एक चीज़ हो गया, बस मेरा नहाना रह रहा है और तैयार हो रहा है, तो बस वो कराती हूँ। बैंक जाने के बाद मेरे को जाना है पार्लर, देखो थ्रेडिंग से ही करा के आनी है और कुछ देखते हैं, और फेस पे वैसे मेरा मन नहीं ना, मेरे पास टाइम है आज, बस थ्रेडिंग थ्रेडिंग करा के आते हैं। एंड उसके बाद थ्रेडिंग कराने के बाद मेरे को मेरा फिर एग्ज़ाम है, फिर मेरे को एग्ज़ाम देने जाना है शायद। उसके बाद पहले मुझे घर आना है, रेडी होना है, दोबारा एग्ज़ाम देना है। देखते अगर टाइम रहा तो मैं जैसे अब रेडी होंगी ऐसे चले जाऊँगी एग्ज़ाम देने, टाइम रहा तो मैं कपड़े चेंज कर लूँगी, ना तो फिर ऐसे निकल जाऊँगी। देखते हैं अब क्या होता है। घर वाले भी आ चुके हैं, आ गए है ना, और चलते हैं। पहले मैं रेडी हो जाऊँ, उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ, ठीक है? वो वेट 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 गाइस, कहीं मत जाइएगा, अभी मैं नहाने जा रही थी। उससे पहले मेरे पास दो चॉइस हैं, एक तो ये टॉप एंड ये कुर्ती जो मैंने ऑनलाइन ऑर्डर करी थी। मेरे को समझ नहीं आ रहा मैं इन दोनों में से आज क्या वियर करूँ। एक मैं सोच रही हूँ आप सुबह ही से पहन जाऊँ, मैं ब्रांच जा रही हूँ, उसके बाद एग्ज़ाम देने जाऊँगी तो उसको पहन जाऊँगी, पर कन्फ्यूज़न है यार क्या पहनूँ क्या पहनूँ। चलो मम्मी से डिस्कस करते हैं। उसके फाइनली मैंने ये वाला टॉप चूज़ करा पहनने के लिए, क्योंकि गर्मी थी तो मुझे लगा शायद ये कंफर्टेबल लगा, इसमें गर्मी बिल्कुल भी नहीं लगती। और अब हो चुका है बिल्कुल खुल जा, मैं हो चुकी बिल्कुल रेडी। एक मिनट का इस तो मैं हो चुकी बिल्कुल रेडी, बट थोड़ा सा परफ्यूम लगा लेते हैं और उसके बाद निकलते हैं। कौन इतना परफ्यूम लगाता है जितना मैं लगाती हूँ? हल्की सी लगाई लिप बाम, बाकी कुछ लगाएंगे नहीं, ना मैं लगाती हूँ क्योंकि गर्मी में ऐसा हो जाएगा बेकार। मैंने लगाया पिंक शेड वाला लिप बाम ऐसे ही। सो चलते हैं, रख लिए हैं अपने चश्मे, को साफ कर लेते हैं थोड़ा सा, और उसके बाद अपना आई कार्ड रख लिया है, वैसे ज़रूरत नहीं पड़ती बट फिर भी। रख लिया है अपना आई कार्ड, और बाकी मैं आप लोगों को दिखा नहीं पाऊँ क्योंकि मैं जा रही हूँ स्कूटी से, लेट हो रही हूँ, तो मैं सोचा मैं स्कूटी से निकल जाती हूँ, तो वहाँ मिलके ही मैं आप लोगों को बता पाऊँगी सब कुछ, जो भी बात करेंगे मिलके करते हैं, वहाँ पहुँच के करते हैं मिलके। कौन सा आप मेरे से मिल रहे हो, तो वहाँ पर पहुँच के करते हैं, ठीक है? पहुँचते मिलते हैं आप लोगों से। मेरा ना सिर्फ मास्क नहीं मिल रहा, मैं पहले एक बार ट्राई कर लेती हूँ कि मिल जाए तो बेटर है, क्योंकि फेस थोड़ा सा कवर हो जाएगा मेरे को, फेस पर ना घाटा घाटा मानते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, थोड़ा पैसे रख लेती हूँ। हाँ मिल गया, देखा ऐसे ही टगे रहते हैं हमारे मास्क वास, ये क्योंकि थोड़ा फेस कवर हो जाएगा मेरे को, फेस पर कपड़ा वपड़ा बांध के जाना पसंद नहीं है, वो अजीब सा लगता है, घुटन होने लग सकती है, तो इसको लगाएंगे मास्क को। ठीक है जी, ऑल डन। और देखो ये है फुल लुक मेरा, बाकी मैं निकलती हूँ बड्स लगा लूँ, मिलते हैं आप लोगों से पहुँचने के बाद। हे हमारी मम्मी काम ही नहीं हुआ अभी। चलो जी, ये खड़ी जी खड़ी है मेरी रानी, तो खेत पे गई थी, देखो इसमें क्या क्या भर रखा होगा, खेत के कपड़े, हाय हाय। बहुत लेट होगी सर, यूँ कहेंगे तुमसे घर के पास भी टाइम से आया जाता। ये देखो कैसे हो रहा है, चलते अंदर, बहुत अच्छा लगता है। सो गाइस यहाँ से मैं निकल चुकी हूँ बैंक से, बिल्कुल बैंक के सामने हूँ, हम चलते हैं मार्केट।
थ्रेडिंग करा खाते हैं, देखते हैं और कहाँ जाते हैं, फिर 1:30 बजे से निकलना है क्योंकि एग्जाम है। खुले नहीं है? नहीं खुले ना। मुझे अभी तो देखो चमकना रहा है, कल करें मुझे छोटे बाल चमक रहे हैं। पहले ही देख लो तुम। सो गाइस थ्रेडिंग मैंने बनवा ली है और अब मैं आई हूँ छोटे पे जाने अपने लिए, क्योंकि मैं खाना खा के मुझे जाना पेपर देने, कुछ खाना खा के जाऊँगी आराम से, तो करा लेती हूँ छोले कुलचे। एक बज रहा है, सुबह सेंट बज रहा है मेरे घर में। गाइस आप कैसे सो रहे हो उस टाइम तक, इतनी जल्दी कैसे सो जाते हैं? गाइस मैं आपके लिए चिज्जी लाई हूँ, छोले कुलचे तो आप खाओगे नहीं गाइस आज। मम्मी कोल्ड ड्रिंक लाइए, वो तो मान लो हमारी मम्मी, हमारे मम्मी बहुत मेहनत करती है ना, एकदम से ना वक्त बदल दिया, बात बदल दी है। अभी नहीं खुलेगी भैया, फ्रिज में रखी जाएगी। चलो कह रहा है मम्मी, तुझे पीनी है, तुझे पीनी है मारा। गाइस मैं आ चुकी हूँ और अब फटाफट से खाना खा लेते हैं और फिर 1 बज रहा है, 1:30-2 बजे निकलेंगे एग्जाम के लिए, तो थोड़ा सा रेस्ट करें, थोड़ा पढ़ना भी है, देखो बाल कैसे हो गए। ठीक है गाइस, 2 बज चुके हैं, अब मैं जा रही हूँ एग्ज़ाम देने, अब तक मैंने थोड़ा रेस्ट करा, फ़ोन वोन चलाया, एग्ज़ाम की तैयारी बस जैसी है वैसी है, देखते हैं क्या होता है। ये जा रहा है मुझे अड्डे तक छोड़ने लगे, वहाँ से बस पकड़ूँगी फिर निकलते हैं। मैं नेहा को बोल दिया कि सीधी बहन निकल जाइए आज, क्योंकि वो कब ऑटो पकड़ेगी, कब मैं यहाँ से जाऊँगी, फिर मैं दोपहर में उसका वहाँ वेट करूँगी। तो मैंने कहा यार तू सीधा वहाँ से निकल जाए, यहाँ से निकल, आते टाइम अगर जल्दी निकल गई वो भी या मैं भी, तो फिर आते टाइम मिल लेंगे, नहीं तो फिर मुझे भी जल्दी आना है आज, घर पे काम है मुझे, मंदिर पे जाना है शाम को, चलो चलते हैं। सो गाइस मैं आ चुकी हूँ रोड पे, वो मेरे भाई गया है मंदिर है ना, ये सामने बबूत ले रहे बाबा मोहन राम, कि तू सेंट लगा के आई, तो फेरी में निकल रही है, बबूत खा के जाए पूरा ही आएगा, भी दिखाओ और छुट्टी जाएगी, टम्पू उतर खुआ लिया इतने बैठन ना देने का, देखो मेरे मेरे इंतजार में तो बैठे हैं भूत, और देखो लाइव कितनी सारी है, थोड़ी सी हल्की सी ऐसी सैंड का थोड़ा लगा का ही टम्पू देख कर रुक गया, तो मिल गया टम्पू, मैं चलती हूँ, मिलती हूँ आप लोगों से पहुँचने के बाद। तो गाइस मैं हाफ रेट आ गई हूँ, आप लोगों को पता नहीं आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही, बाकी ऑटो से कर दी, अब मेरा कॉलेज के लिए ऑटो पकड़ ली सीधे, उसके बाद मिलती हूँ आप लोगों को, मैं लेट हो रही हूँ, 2:45 बज चुके हैं मेरे को यहीं, और 3 बजे से मेरा एग्ज़ाम है, सो मिलते हैं गाइस। गाइस देखो मैं बैग लेके नहीं थी, पानी की बोतल वाली, मैं अपने साथ ऐसे लेके जा रही हूँ, पेपर दे के मैं निकल गई हूँ, मैं जा रही हूँ फ्रेंड के कॉलेज के पास, हाँ सर सीधे लगा पैदल पैदल आ जी, और फिर उसका वेट करते हैं, देखते हैं वो कुछ देर में आती है, 5 बजे तक आ जाएगी, 4:45 हो रहा है, 15 मिनट में आ जाएगी, पहुँचने में 5-10 मिनट लगेंगे, तो चलते हैं मिलते हैं आप लोगों से। तो हम आ चुके हैं हापुर अड्डे, मैं आज ब्लॉग शूट कर रही हूँ, 2-3 बार सुबह से लेकर शाम तक, आप कर रहे हैं बस का वेट, बस आएगी तो फिर चलेंगे, 10-15 मिनट में आएगी बस, उसके बाद निकलते हैं। किसी ने पीट के बैठा दिए, इसलिए हम दिखाना रहे थोबड़े अपने, मिलते हैं आप लोगों से बस बैठने के बाद, लगते हैं काम पे,
टेंशन कैसी हो रही है। चलो किचन तो साफ पड़ गया फिलहाल, बस फटाफट से फेस वॉश कर लूँ, कपड़े ये रहने दूँ क्योंकि मेरे को भी जाना है मंदिर, तो आटा लगा दूँगी, झाड़ू कर देती हूँ फटाफट से, रूम वगैरह क्लीन कर देती हूँ, उसके बाद दोबारा से हाथ वो धो के निकलती हूँ मंदिर के लिए क्योंकि 6 गाइस खाना बन चुका है, मैंने दूध पकना रख दिया है, खाना बना दिया और अब टाइम हो चुका है, मेरे पास हो चुके हैं सब, मैं जाती हूँ मंदिर, मिलती हूँ आप लोगों से मंदिर आने के बाद, दिखाती हूँ आप लोगों को, ठीक है। गाइस मैं आ चुकी हूँ मंदिर जो जगह ने तो आवाज़ मारी, मैं आ चुकी हूँ मंदिर से वापस और अब नहाती हूँ, कपड़े चेंज करती हूँ, फिर खाना वाना खाते, फिर सोते हैं और मिलते हैं आप लोगों से बहुत जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, बाय बाय, टाटा, सी यू, ओके बाय, मिलते हैं बहुत जल्द एक और नए वीडियो के साथ। मम्मी।